इसको बोलते हैं कि आप जब बहुत दिनों के लिए बाहर जाओ और इंडिगो आपको सिर्फ 15 किलो अलाउ करता, आपको ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है कहीं ना कहीं। आइटम सब खाएंगे, आ जाओ भाई। ये फूड ब्लॉगर है, ये हमारा फूड ब्लॉगर है, आगा ये खाएगा, लाएगा, बताओ भैया क्या खिलाओ। ओके सो बैक इन दिस रूम आफ्टर 4 डेज, अपने कमरे में वापस आने की खुशी बहुत है। सो वी आर ट्रैवलिंग अगेन समवेयर। ओके यस, आई एम वेरी पम्प्ड अप, एक्साइटेड, टायर्ड एंड लाइक अ मिक्सड फीलिंग, गुड वाइब सब कुछ है। सो मेरी आवाज़ समझ आ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। सुबह के 11 बजे मैं इंदौर आया हूँ, देन उसके बाद से ना नॉन स्टॉप। मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि मैं इतना नींद मिस नहीं हूँ, मैं कल रात से, मैं 2 दिन में सिर्फ 3 घंटे सोया हूँ। लाइक परसों रात को जो सोया था मैं, अब आज रात को जाके सोऊंगा। कल की नींद पता है तुमको कैसी हुई थी, अगर हमने लास्ट वाला ब्लॉग देखा तो यू नो कि कल क्या हुआ था। सो मैं बताता हूँ कि आज सुबह से लेकर अभी तक, अभी बज रहे हैं रात के 11:36 हो रहे हैं। सो आई विल टेल यू कि सुबह से लेकर रात के मतलब पिछले 12 घंटे में क्या हुआ है मेरे साथ। कि सुबह 11 बजे मेरी फ्लाइट लैंड हुई है, एंड जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और मैं जिनके साथ जा रहा हूँ उनमें से मेरे को एक का मैसेज आता है कि ब्रो कि वी नीड टू कैंसिल दिस ट्रिप बिकॉज मेरे को कोविड के सिम्टम्स हो रहे हैं, सो हम नहीं चल पा सकते। सो वहाँ जाके मामला पहला ख़राब हुआ, एंड हमारा सबसे बड़ा हेडेक ये था कि उसने टेस्ट करा लिया कोविड का, और हमको ये डर था कि अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो हम में से कोई भी नहीं जा रहा है। और सीन ऐसा हो गया है कि हमको जो दूसरा झटका लगा वो ये लगा है कि जो हमारी जो फ़्लाइट थी वो कल रात को मीन 6th of January को 11:55 PM की थी। मतलब 6th of January को 11:55 पे हम लोग यहाँ से इंदौर से अमृतसर के लिए जा रहे थे। सो हमको पता पड़ा कि जो हमारी जो फ़्लाइट है वो रिशेड्यूल हुई है रात के 11:55 को छोड़ के सुबह की, दिन की 12:15। पहले जो फ़्लाइट वाया पुणे थी अब वो हो गई है वाया दिल्ली, जहाँ अमृतसर ही रहे अभी भी। सो जो मैंने पूरा प्लान किया था ना कि मैं 1 तारीख को जाऊंगा फैमिली के साथ, 4 को 5, मैंने सोचा कि मैं 5 को आराम करूंगा, मैं 6 को उठूंगा फ्रेशन अप होके, देन आई विल डू पैकिंग और जितना भी छोटा मोटा सामान इस ट्रिप लीजिए वो मैं लेके आऊँगा, जो कि ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं बिकॉज ऑफ इंडिगो। सो हे गाइस, अभी सुबह का 9:30 बज रहे हैं एंड दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड वी आर ऑल सेट टू गो, एंड मेरी सारी पैकिंग हो चुकी है एंड आई फील कि मैं कुछ ना कुछ भूल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत बहुत जल्दी में पैक किया है। बट से फीलिंग आ रही है कि बहुत सारा सामान है, कुछ तो सामान भूलूंगा, बट कोई नहीं, अमृतसर बहुत बड़ा शहर है, वहाँ से ले लेंगे। सो आई विल शो यू कि मेरा पैकिंग पूरी हो चुकी है, बस क्या क्या बचा है। सो ये पूरा बैग मेरा है, ये बैग वापस कैरी करूँगा, लैपटॉप ये सब सामान है। अरे हाउ कैन आई फॉरगेट दीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें सारे शैम्पू ऑयल सब रखा हुआ है, इसको मेरे को वापस से पैक करना पड़ेगा इसको अंदर रखने के लिए, फिर से उसको लाल चटक बैग को खोलना पड़ेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ बिल्कुल, अच्छी तरह से टेक केयर। आ गए सारे, आ जाइए आ जाइए, उसको ऐसे रख ऐसे रख, उसको टेढ़ा घुमा। हाँ हाँ, How excited are you? अरे भाई साहब मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपके हाथ में। I am done. इन्हें देखिए, ये घर से पैकिंग करके नहीं लाते, ये एयरपोर्ट पर पैकिंग। इसको बोलते हैं कि आप जब बहुत दिनों के लिए बाहर जाओ और इंडिगो आपको सिर्फ 15 किलो अलाउ करता, आपको ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है कहीं ना कहीं। वेलकम बैक टू माई चैनल। How are you guys? How are you guys? कैसे हो? मिस करा मुझे कि नहीं करा? करा कि नहीं? कमेंट में बोल। कितने रुपए की टी शर्ट थी? 150 रुपए की। कब भूला है? कब भूला है? अभी मैं बस भूल के आ गया हूँ। आज आज इंदौर एयरपोर्ट को ज्यादा ही रश है, लग रहा है कि जितने सब लोग सबका सब अमृतसर दिल्ली गोवा गए। उस दिन इतना रश नहीं था, उस दिन तो खाली पड़ा था एयरपोर्ट, और आज काफी टाइम अच्छा, हम लोग टाइम से अगर हम लेट होते बहुत टायर्ड होता। क्या हुआ? डिले कैसे हुई? कितनी डी डिले? 15 मिनट डिले अपनी। सो आज का सिक्योरिटी चेक तो बड़ा जल्दी हो गया, बट एयरपोर्ट पे काफ़ी रश है, ऐसा लग रहा है कि सब लोग आज ही गोवा, मुंबई, अमृतसर, बैंगलोर सब जगह आज ही आ रहे हैं। ओके सो अभी का सीन ऐसा है कि डन विद द चेकिंग एंड ऑल। सो अभी अमृतसर की जो हमारी फ्लाइट है वो वाया दिल्ली है, दिल्ली में हमको 7 घंटे का लेवर है, तो लेट्स सी कि दिल्ली में हम लोग क्या क्या घूम पाएंगे, क्या क्या हो पाएगा। मतलब हमारी फ्लाइट अभी 1-2 बजे लैंड करेगी दिल्ली, जिन वहाँ से हमको 7 घंटे का लेवर है, और मौसम आज इंदौर का बड़ा सा बेईमान है, बारिश पड़ रही है। कल जयपुर से निकला तो अपने साथ इंदौर और बारिश में लेके आया हूँ। लेट मी इंट्रोड्यूस यू साहिल। यो, तो जो हमारा हिमांशु है, सोनू है, उसका स्कूल का फ्रेंड है, तो हम लोग हम लोग जानते हैं क्योंकि सब म्यूचुअल ही है, तो हम लोग पचमढ़ी हम सब साथ में गए थे, तो हम लोग सब साथ में गए थे पचमढ़ी 2 दिन के लिए, तो बहुत मज़ा आया था, तो हमने सोचा कि इस बार इसको लेके चलते हैं। सो इधर हमने हमारा चार्जिंग पे लगाया, यहाँ मेरे कैमरे की बैटरी चार्ज हो रही है, यहाँ है बाहर
ये है हर्ष। इस चार्जिंग पॉइंट को ढूंढने में बड़ा टाइम लग गया। चार लोगों से पूछा, इसमें तीन ने जवाब नहीं दिया। एक बेचारे भला आदमी था, उसने आके बोला कि हाँ सर इधर चार्जिंग पॉइंट मिलेगा आपको, इधर मिलेगा। हमने बोला ठीक, तो हमने बोला ठीक है चलो, मिल गया चार्जिंग पॉइंट बड़ा। दिल्ली दिल वालों की दिल्ली में आ चुके हैं, स्वागत है। और दिल्ली में काफ़ी ठंड है, और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हम सब के जो चेक इन बैग्स हैं, मतलब हमारा जितना भी लगेज है, वो डायरेक्ट हमको अमृतसर में मिलेगा। सो हमारे पास 5 से 6 घंटे, अब उसमें हम देखते हैं थोड़ा बहुत जितना भी हुआ दिल्ली एक्सप्लोर करेंगे, कहाँ कुछ ना कुछ कैफे एक्सप्लोर करेंगे। मम्मी को थोड़ा सब दिखाऊंगा, स्पेशली रिकॉर्ड ही दिल्ली कर रहा हूं। मेरी मम्मी को सब पता है कि मैं अभी फ्लाइट से आया हूं। तो किसको झूठ बोल के आया? देखते जा रहा हूं। वो गया 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 भाई, बड़ी स्पीड से गया। वाह यार, पैसे चले गए, उसमें लिखा भी आ गया। पैसे तो निकल गए, टोकंस कहां है हमारे? आ रहा आएगा। आज तक कितनी बार आज तक बैठा दिल्ली मेट्रो? बैठा तू? नहीं, मैं अभी पहली बार बैठा। कौन बैठा है? मैं भी जब अपने घर वालों के साथ आया था 8-9 साल पहले, तब बैठा हूं दिल्ली मेट्रो में 7 साल पहले। सो आई एम वेरी काइंड ऑफ इंप्रेस फ्रॉम दिल्ली मेट्रो। सिक्योरिटी चेक इधर भी था, एयरपोर्ट पे था सेम वैसा ही, कि पूरे बैग की सिक्योरिटी चेक हो रही है। काफ़ी अच्छा सीन है इधर, सिक्योरिटी का खास बहुत ज़्यादा है। सो अभी हमने टोकन तो ले लिया हमारा, अब हमको जाना है यहाँ से वसंत विहार के लिए। अब हमको सबसे बड़ा हमारा कन्फ्यूजन है कि हमारा कौन सा गेट है, कौन सा प्लेटफॉर्म है और कौन सी लाइन लेनी है हमको। इंदौर में पिछले 8 साल से ना हर 2-3 साल बाद आता है कि 2022 से मेट्रो तैयार, काम शुरू होता है, बट कहाँ हो नहीं रहा है। ओके, सो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन दिल्ली मेट्रो में ये है कि काफ़ी अच्छी मेट्रो है, काफ़ी स्मूथली, काफ़ी सही चली, काफ़ी क्लीन, लाइक सही तरीके से दिल्ली स्टेशन को बना रखा है ना पूरा। आई वांट टू से कि भाई चुम्मा एक्सपीरियंस इट वॉज। अरे भैया क्या चली यार, मज़ा आ गया। चली सी 12 से 13 किलोमीटर हमने, 14 किलोमीटर अपन को भगा था, 3 से 4 मिनट में 12-13 किलोमीटर कवर करा हमने। इसमें से भी वो ट्रेन रुकी एक जगह, वरना नहीं रुकती तो पता नहीं 2 मिनट पहुँच जाते। कहाँ के रहने वाले भैया? दिल्ली भैया, भैया दिल्ली से ही है। मैं तो फील्ड का काम में तो घूमता रहता हूँ। अच्छा, मतलब द्वारका, हरियाणा, हरियाणा तो आसान पड़ता है मेट्रो से ट्रैवल करना पूरे दिल्ली में ना? मेट्रो बेस्ट है भैया ने बोल दिया, दिल्ली वालों का कहना कि मेट्रो बेस्ट है। ओह, बाहर आते से एकदम ठंडी ठंडी सी हवा सी लग रही है। अब यहाँ से मैं नेविगेट करो कि कहाँ चलना अपने को। कैमरा देखते से मेरे को मना कर दिया कि सर यू आर नॉट अलाउड टू शूट हियर। आई डोंट नो लोग ऐसा क्यों करते हैं कि कैमरा देख के मना कर देते हैं, कि बहुत प्रोफेशनल है क्या है, क्या हुआ? सभी का सीन ऐसा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत खा लिया, DLF के तरफ जा रहे हैं, हमारे पास स्टिल 2 घंटे का समय और है। तो DLF मॉल, तो ये कौन सा है? तो DLF मॉल कहाँ है बाकी? सही, मेरा काम सही में हो गया। इसको मैं कब से कितने टाइम से ढूंढ रहा था कि नाइकी पे डिलीवरी चार्ज सब लग रहे थे क्या? मैं 2 महीने से स्लीपर्स के ढूंढ रहा हूँ, ये मिल गई फाइनली, और काफ़ी मेहनत लगी इसको ढूंढने में। इंदौर में नाइकी के शोरूम में अवेलेबल थी नहीं। चलो अभिषेक भाई, तेरे कुछ काम हुआ नहीं, मेरा तो हो गया। मेरा काम नहीं हुआ तो मैं तुमको पूरा दिल्ली घुमा दूंगा आज पहले। हाँ, हम खाली फ्लाइट है 3 घंटे, बट तू दिल्ली घुमा देना हमको आज। ओके, सो डन विद द शॉपिंग। इंदौर से जो सामान भूल गए थे वो मिल गया यहाँ पे आके। एम्बियंस मॉल ना सफल रहा, बढ़िया था, सब बढ़िया था। चलो वसंत विहार मेट्रो स्टेशन। भुकती लगी? हाँ। अभी खाया थोड़ी देर पहले, कब खाया? हो गए 2 घंटे, बट बुक एयरपोर्ट चलते, एयरपोर्ट कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अरे तू क्या, अरे देखो मैं छोले कुलचे खिला रहा हूँ ना अमृतसर चल के, अब बस अपने को फ्लाइट पे बैठना है। काफ़ी बड़ा मॉल था, एक दिन में एक्सप्लोर करना वाज वेरी टफ इधर से। ओके, मोबाइल बाहर निकाल के मिलते हैं एयरपोर्ट पे थोड़ी सी देर में। हम सब साथ में, हमारा क्या है, सब साथ है, सब साथ गुजारा कर लेंगे। दिल्ली की ठंड कैसी लग रही थी? सबसे बड़ी गलती तो इस आदमी ने करी कि इसमें सिंगल लेयर पहना, इसके अंदर कुछ भी नहीं पहना हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ इसको, पकड़ इसको। सो अभी का सीन ऐसा है कि मेट्रो स्टेशन पे आ गए, यानी हमको यहाँ से निकलना है वापस एयरपोर्ट के लिए। 1 घंटे की फ्लाइट एयरपोर्ट पे लगेगा, यहाँ से ले लेकर रोड लग रहा है। तो सब खाएंगे आज, अभिषेक बताएगा आज क्या क्या खाएंगे। क्या खाना भाई? टिक्की खाना है, बर्गर, गोलगप्पे, भेल भाई है भाई, चलिए तीनों चारों जितनी भी आइटम है सब खाएंगे आज भाई। ये फूड ब्लॉगर है, ये हमारा फूड ब्लॉगर है, आगा ये क्या खिलाएगा बताओ भैया, क्या खिलाओगे आज? तू सब खा ले आज, तू सब खा ले आज, तेरे को सब खिलाएंगे, तेरे को भी खिलाएंगे। ये देख रहे हो इन सब चेहरे पानी पूरी के लिए खड़े हैं। अच्छा, चाट भंडार दिल्ली आए तो यहाँ आके जाए, बिल्कुल
प्रमोशन भैया को प्रमोशन हुआ भैया यूट्यूब पे आगे फ्री में खिला रहे हो। मीठा कौन खाता है? ये मीठा है क्या? अरे चरखा खाते हैं, चरखा पानीपुर का मजा ही चरखे में। भाई बहुत तीखा है भैया को, तीखा वो है बहुत ज्यादा ही तीखी थी पानीपुरी। आया भैया पानी 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 की बोतल, भैया पानी की बोतल है। कैसा था अभिषेक? एक नंबर था। अरे साहिल पानी क्यों यार, तीखा तूने एक्सपीरियंस किया? ऐसा कैसे काम चलेगा? थोड़ा सा तीखा था यार, आंखों में आंसू आ गए। देना यार तू, इतने महंगे महंगे कैफे पे बर्गर खाने के बाद 30 रुपए वाला बर्गर ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। पहले यही आ रहा साहिल, मैंने बोला उसको, बाला से पूछ, मैंने बोला उसको सुबह सुबह ही बोला था इसको। ये अच्छा एक्सपीरियंस था, इतने महंगे महंगे कैफे जाने के बाद हम इधर आ गए, तो ज्यादा मजा आया। स्ट्रीट फूड दिल्ली का अभी तो जरा सा ही खाया, बाकी बहुत अच्छा था। एक दिन आने वाले इसी साल के अंदर करीब करीब 2 दिन में दिल्ली आऊंगा वापस से, और वापस से यहाँ का स्ट्रीट फूड सब ट्राई करेंगे। साहिल हो तो साहिल हो, दिल्ली आएंगे हम सब वापस आएंगे। सो ओके, सो अभी का सीन ऐसा है कि वापस से मेट्रो लेके एयरपोर्ट जाना है, अमृतसर के लिए वापस से फ्लाइट पकड़नी, 6 घंटे का ही सिर्फ लेवर था, सही टाइम पे। चलो लेट्स गो, मिलते हैं अमृतसर में। दिल्ली के लिए डन हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू आर वॉचिंग दिस ईयर, एंड यस दिस वॉज दिल्ली, गुड नाइट, वन लाइफ, पीस। सो इफ यू लव दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू वॉन्ट टू, वॉट एवर इट इज। बाय बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अमृतसर में कल सुबह या रात में जब भी होगा, व्लॉग शुरू कर देंगे। आने वाले बहुत सारे दिन है, अभी डू सब्सक्राइब, व्हाटएवर यू वांट टू डू। बहुत मेहनत कर रहा है इसके पीछे, कैमरा चार्ज करता रहता है भाई, यही स्ट्रगल है। स्ट्रगल देख लो भाई, एयरपोर्ट पे कैमरा चार्ज करा साथ में बैठ के, हमने भी हम भी थे। सो चलो मिलते हैं, अभी तो सिर्फ ट्रिप शुरू हुई है, बहुत कुछ है। सो फाइनली वी आर इन अमृतसर राइट नाउ। धुआं, ठंड इतनी है यहाँ पे कि धुआं निकल रहा है, यहाँ का भी मिनिमम टेम्परेचर कितना 10-12 डिग्री होगा, पूरा आसपास कोहरा ही कोहरा कोहरा ही कोहरा। बाहर Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break.